सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। स्टडी एमबीए इंडिया प्रेजेंट्स एजुकेशन फेयर 2022 इन एसोसिएशन विद सिटी न्यूज टुडे लाइव। एजुकेशन फेयर 2022 में 25 से ज्यादा देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया। इस एजुकेशन फेयर में मुजफ्फरपुर से वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, एलएन मिश्रा यूनिवर्सिटी, आरआर स्टडी मैनेजमेंट कॉलेज, एमडीडीएम कॉलेज, आरबीबीएम कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, एलएस कॉलेज समेत कई प्रतिष्ठानों से ग्रेजुएशन और एमबीए के बच्चों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले सर परिचय आपका क्या हुआ और यूनिवर्सिटी का कौन से यूनिवर्सिटी से? मैं सनस्टोन यूनिवर्सिटी से हूँ। नाम हमारा हुआ रुद्राचार्य। ओके सर। बेसिकली हम बिहार टीम से हैं, सनस्टोन यूनिवर्सिटी, और हमारा यूनिवर्सिटी जो है भारत का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो दो तरीके के पेमेंट ऑप्शन देते हैं स्टूडेंट्स को। वन इज करियर एश्योर प्लान एंड सेकेंड वन इज पे आफ्टर प्लेसमेंट। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मोनेटाइज जो प्रेशर होता है वो नहीं पड़ता। ओके सर। इसकी कई आप जानते हैं आज के डेट में जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उन्हें फैमिली से भी बड़ा वो होता है कि पता नहीं मुझे फाइनेंस होगा कि नहीं होगा, आगे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उन सारी बैरियर्स को निकालने के लिए हमने ये किया है। हमारे अंडर में क्या है, सनस्टोन के अंडर में हमारे टोटल 24 कॉलेजेस हैं जिनसे हम MBA, PhD, अपकमिंग BTech भी है, MCA, BCA, ये सारी कोर्सेज कराते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉलेज के बीच में और स्टूडेंट के बीच में ऐसा ब्रिज बनाते हैं जिससे स्टूडेंट अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी जा पाए और प्लेसमेंट भी पा पाए आगे जाके। ठीक है। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को इंटर्नशिप देकर उन्हें और ज़्यादा प्रेफरेंशियल बनाते हैं ताकि वो आगे जाकर कहीं उन्हें अटकना ना पड़े प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी करते हैं। ठीक है। एंड सनस्टोन ग्रो भी कर रहा है, आपने देखा भी होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गैदर भी कर रहे हैं हमारे पास, बिकॉज कॉन्सेप्ट नया है। ठीक है। एंड बाहर की कंट्रीज़ में लाइक जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट चलती भी आई है कि एक कॉरपोरेट कंपनी विच इज़ टाइड अप विद डिफरेंट कॉलेजेस एंड दे आर promoting, they are giving you opportunity to get admission on that and also get placements, great placements. ठीक है, हमारा main. Thank you sir. Thanks a lot. पहले सर अपना परिचय बताइएगा, यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा। मेरा नाम रॉय है, मैं IIT। बदनाम उन आंखों को क्या करना जिन आंखों में कभी हम बसते थे। हमारा 5 कैंपस है जिनमें बदनाम उन आंखों को क्या करना जिन आंखों में हम बसते थे। स्टूडेंट से क्या कुछ अपील रहेगी सर, क्या कुछ विशेषता है सर, उसके बारे में? हम लोग बेस्ट स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन भी है, साथ ही साथ जो नया न्यू एज जो करंट मार्केट में जिस पे जॉब है उस आधार पे भी हम लोग काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन है, टोटल 10 स्पेशलाइजेशन है। हमारा जो जो है सबसे यूनिक जो है कि हम लोग 5 मंथ्स का इंटर्नशिप करवाते हैं, साथ ही साथ हमारा जो ग्रूमिंग सेशन है वो काफ़ी रिगरस है। उसमें हमारे कम से कम 20 से 25 के ऊपर कॉरपोरेट ट्रेनर्स हैं जो अपना खुद का ही काफ़ी एक्सपीरियंस और उनका एक्सपोजर है, और उस हिसाब से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हमारा इंटर्नशिप हम लोग NGO इंटर्नशिप भी करवाते हैं 15 डेज के लिए, और ओवरऑल हमारा जो लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, लोकेशन एडवांटेज की वजह से भी हम लोग काफ़ी अच्छे वो काफी है। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका परिचय और यूनिवर्सिटी का नाम सर जानना चाहिए। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और हमारी संस्था के नाम है यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई एम फॉर श्योर दैट आई कैन नॉट सिंग बेटर देन दैट गाय हु सेड फर्स्ट। हम फॉर श्योर एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं और हम इस पे काफी कुछ CSR एक्टिविटीज एडमिशंस के लिए जो भी बच्चे लोग हैं उनसे क्या कुछ अपील रहेगी और क्या कुछ विशेषता है? हम लोग यहां आने का उद्देश्य एडमिशन रिलेटेड नहीं है, ये है कि बच्चे आए उनको सभी जानकारी सही लोगों तक पहुंचना एक अच्छा मंच है जिसके माध्यम से हम बच्चों को चूंकि अपने तरफ से एक सोशली रिस्पॉन्सिबल संस्था होने के माध्यम से हम उनको सही चीज़ों को बता पाए, जो भी उनकी परिस्थिति हम उनको सॉर्ट आउट करके उनको जो आगे का प्लानिंग है उसके बारे में उनको ब्रीफ करके उनके उनके लिए आगे और क्या करना ठीक होगा, ये सब जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक गैप बन जाता है क्योंकि पैंडमिक एरिया भी था, हम लोग मिल नहीं पाए, लाइव इंटरेक्शन हो नहीं पाई, तो एक अच्छा मौका रहा उनसे इस रिलेटेड बातें करने के लिए और उनके जो भी चैलेंजेस और जो भी क्वेरी हमने कोशिश किए कि उनको सॉर्ट आउट करके उनकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करके आगे उनको। थैंक यू।
नाम बताइएगा और यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा सर। हमारा जो यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है और जो हमारा कॉलेज का नाम है वो ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज है। इसके जो संस्थापक हैं इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, इन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से जो है इसका जो है एप्लीकेशन लिया है और AICTE के तमाम मानदंडों को पूरा करते हुए बिहार में यह एलन मिश्रा CIMP के टक्कर का ये कॉलेज बनने जा रहा है। हमारा जो है 10 एकड़ में करमली चक पर जो है हमारा प्रेमाइसिस एस्टैब्लिश हुआ है और हमने जो है UGC NEC PhD जो है टीचर जो है हायर किया है अपने कॉलेज के लिए। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो है बिहार का जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है खुद इसके चांसलर हैं, इसलिए प्लेसमेंट जो है इस यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट को जो है बिहार सरकार के तमाम परियोजनाएं जो चल रही हैं, चाहे वह जो है मनरेगा हो, चाहे जीविका हो, जो वर्ल्ड बैंक के जितने प्रोग्राम्स हैं उससे जो बिहार सरकार जो है रोज़गार दे रही है हमारे संस्थान, चूँकि आर्यभट्ट उसी बिहार सरकार का एक अभिन्न अंग है और एक नामचीन विश्वविद्यालय है हमारा, जो हमारे जो अंगीभूत इकाई का जो एक पार्ट है, तो हमारे स्टूडेंट्स को जो है एक प्लेसमेंट सेल जो है एक बड़ा मिल रहा है बिहार सरकार से और हम जो है बिहार की धरती पर जो है हम लोग जो है जो मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप, DRCC से क्रेडिट कार्ड, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की तमाम सुविधाएं मिल रही हैं ताकि सभी वर्गों के छात्रों को जो है समान लाभ मिल सके इस उच्चतर शिक्षा का और हमारे छात्र जो है एक अच्छे प्रबंधक, एक अच्छे IT कुशल पेशेवर जो है वो बन सके। सर दो विशेषताएं जरा बताइए सर, स्टूडेंट्स को क्या कुछ प्रोवाइड, स्टूडेंट्स को जो है हमारा तो अपना स्कॉलरशिप है ही, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को, जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, उसके अलावा हमारे छात्रों को जो है बिहार सरकार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड DRCC जो फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं तो आपको बताया कि माइनॉरिटी पोर्टल भी हम लोग जो है हमारे कॉलेज का जो है वो खोलने जा रहा है ताकि माइनॉरिटी के छात्रों को भी उसका लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो है पहली बार MCA की पढ़ाई ब्रैडफोर्ड में स्टार्ट किया है और हमारा जो है ब्रैडफोर्ड आर्यभट्ट का पहला MCA कॉलेज है, ये गौरव की बात है हमारे लिए। गुड नेम सर। हमारा नाम रुपेश कुमार है और मैं अभी वहाँ एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले सर परिचय और यूनिवर्सिटी का नेम बताइएगा सर। माय नेम इज विकास गुप्ता। यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी प्राइवेट दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज मैरी कॉलेज मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट से होल्ड करिए दिल्ली। व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द एडमिशन कि IP यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम है कि पूरे दिल्ली में आज के डेट में आप भी देखते हैं कि MBA के लिए बहुत सारे डिफरेंट PGDM कॉलेजेस हैं लेकिन MBA के लिए लिमिटेड कॉलेज मिलते हैं। लेकिन IP यूनिवर्सिटी का पहला MBA के लिए IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज बिहार में आया, ये स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट है। और IP यूनिवर्सिटी हम बात करें तो इंडिया में NIF रैंकिंग में 51 नंबर को होल्ड करती है। कैंपस सिलेक्शन क्या कुछ प्रोसेस है उसके? कैंपस सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि आपको कैश, CMAT या IPU का फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया हम इतना लेते हैं। उसके बाद एक DDPI प्रोसेस होता है, फिर PI प्रोसेस होता है, देन फिर सिलेक्शन का प्रोसेस। थैंक यू सर। थैंक्स। इफ यू हैव द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आई हैव द नंबर ऑफ कंपनीज टू मेक दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूर। ठीक है, आपके पास भी कंपनी की लाइन है, उसके पास अगर कैंडिडेट्स की लाइन है तो ये स्टॉकेबल वो नहीं है या आप यहाँ पे पॉज नहीं ले सकते। सर आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी विद मी टू स्पेंड इन MBA प्रोग्राम और दैट काइंड ऑफ सिचुएशन माय फैमिली सिचुएशन सो आई कैन कैरी।